वी ब्लॉग कंप्लीट करवा दिया। जो वी ब्लॉग हमारा चल रहा था, जो टॉपिक था हमारा वी ब्लॉग, मैंने आपको कवर करवा दिया। अब क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या है वी ब्लॉग के नोट्स बनाए और उसको रिवाइज करें। क्योंकि देखिए मेरा काम है बस पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगी, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है तो बताऊंगी, कोई आप लोगों से गलती हो रही थी मैं बता दूंगी। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इसलिए क्या है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप लोग क्या है वी ब्लॉग जो मैंने पढ़ाया है, जितने भी टाइम्स पढ़ाया है, सभी के आपको नोट्स बनाने हैं, सभी को ध्यान देना है और उसको साथ साथ रिवाइज करते रहना है। ठीक है, कि आप वी ब्लॉग को जानो कि वी ब्लॉग क्या है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो आप क्या है वी ब्लॉग का इस्तेमाल करोगे काम करते समय, इसलिए आपको वी ब्लॉग के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स, ये कुछ वी ब्लॉग क्वेश्चन है, इनको पहले कवर कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्या है जो हमारा टॉपिक आज जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद क्या है कि अपने टॉपिक में चलते हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा, वी ब्लॉग निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। क्या है, वी ब्लॉग निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। मैंने आपको वी ब्लॉग के ग्रेड के बारे में बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे, ए तथा बी, ए बी तथा सी, ए या फिर बी, चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में क्या है ए और बी, दूसरे ऑप्शन में क्या है ए बी और सी, तीसरे ऑप्शन में क्या है ए और चौथे ऑप्शन में क्या है बी। यानी आपको बताना है कि वी ब्लॉग जो ग्रेड उपलब्ध होते हैं तो कौन से ग्रेड उपलब्ध होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क का प्रश्न है और कमेंट जरूर करना है। कमेंट क्या है, गलत हो सही हो कुछ भी हो, आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है, कि मैं भी जानूं परखूं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो और कितना ध्यान दे रहे हो पढ़ाई पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, बी ग्रेड के वी ब्लॉग का पदार्थ क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो वी ब्लॉग है जो बी ग्रेड का है वो कौन से मटेरियल का है। ठीक है, तो क्या है हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कास्ट स्टील, सेकेंड ऑप्शन हमारा है कास्ट आयरन, थर्ड ऑप्शन हमारा है क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन और फोर्थ ऑप्शन हमारा है ब्रास। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, वी ब्लॉग का उपयोग होता है, वी ब्लॉग का उपयोग कहाँ होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है फ्लेट जॉब में, सेकेंड ऑप्शन हमारा है गोल जॉब में, जॉब यानी जब काम करते हो, जो आप तैयार करते हो उसको जॉब कहते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा है गोल जॉब में, थर्ड ऑप्शन हमारा है स्क्वायर जॉब में और फोर्थ ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। नोट का मीन्स क्या है, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है क्वेश्चन से आपको देख लेना है और इसके आंसर कमेंट कर रहे हैं और अपने कॉपी में भी इन सबको लिख करके रखना है कि आपके एग्जाम में क्या है आपको ये नोट्स क्या है काम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है ये हो गया हमारा, अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक क्या है हमारा, वॉइस। क्या है, वॉइस, वॉइस को हिंदी में वॉइस ही बोला जाता है, वॉइस को हिंदी में वॉइस ही बोला जाता है। ठीक है, तो वॉइस क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है यानी कि जॉब है। आपको क्या है इसको फाइलिंग करना है। फाइलिंग क्या है, आप लोग फाइलिंग क्या है, तो मैंने आपको बोला था फाइल क्या होता है, एक हमारा फिल्टर ट्रेड का मेन टूल होता है। फाइल क्या होता है, फिल्टर ट्रेड का एंड फिल्टर व्यवसाय का प्रमुख टूल होता है, मेन औजार होता है। ठीक है, तो फाइल के द्वारा, फाइल क्या होती है, हमारा सिंपल सा एक औजार टाइप में होता है। मान लो कि ये हमारा फाइल है, मान लो ये हमारा फाइल है। ठीक है, ये क्या औजार टाइप में एक फाइल होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। यानी फाइल के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, यानी किया द्वारा जाने, फाइल के द्वारा
किए जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है इस ऑब्जेक्ट में, इस जॉब में फाइल के द्वारा फाइलिंग करनी है। फाइलिंग क्या होता है, इसके सर्फेस से मैटेरियल जो है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है कोई मेटेरियल से बना होगा, आयरन से बना होगा, किसी चीज से बना होगा, कोई पदार्थ से बना होगा। तो क्या है, आपको इसके सरफेस से यानी कि इसकी सतह से कुछ मेटेरियल को रिमूव करना है। क्या करना है, कुछ पदार्थ को वहां से हटाना है, कुछ पदार्थ को यहाँ से इसके सरफेस से हटाना है और इसके सरफेस को पूरा प्लेन करना है। क्या करना है, पूरा प्लेन करना है, फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फाइल के द्वारा क्या करते हैं इसके ऊपर फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं। फाइल क्या करता है, इसके सरफेस से जो मेटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होता है उसको रिमूव करता है, वहां से हटा देता है और इसके सरफेस को पूरा प्लेन फिनिशिंग बना देता है। ठीक है, तो आपको क्या है, मैंने बता दें क्या फाइलिंग क्या मैंने बता दिया, तो वो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं लोग फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, फाइल द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस को लोग फाइलिंग कहते हैं। तो आपको क्या है, इस जॉब में से मेटेरियल को रिमूव करना है, पदार्थ हटाना है, यानी कि फाइलिंग करनी है। तो मान लीजिए ये क्या है हमारा एक जॉब है, मान लीजिए हमारा एक जॉब है, आपको क्या है इसके सर्फेस को क्लीन करना है, फिनिशिंग करनी है। तो राइट से बात है, अब फाइलिंग करोगे, जो फाइलिंग मान लीजिए उसको मैंने यहाँ रख दिया, किसी टीवी पर रख दिया, अब मैं फाइलिंग कर रही हूँ। मैंने मान लीजिए ये हमारा टेबल है, कि जो मेरा हाथ है क्या है टेबल है, मान लीजिए इसमें मैंने जॉब को रख दिया, ये क्या हमारा जॉब है। अब मैं क्या है, ये टेबल है, ये हमारा जॉब है, अब मैं दोनों हाथ से फाइलिंग करूंगी, जब इसमें घिसूंगी हाइल क्या है इसके ऊपर घिसूंगी यानी रगड़ूंगी, तो क्या है जाहिर सी बात है जब इसको रगड़ूंगी इसके ऊपर फाइलिंग पूरा घिसूंगी घिसते जाऊंगी तो ये आगे पीछे हो सकता है। जाहिर सी बात है अगर टेबल होगा पूरा प्लेन होगा, आपका जो क्या है आपका जो टेबल होगा, आपका जो क्या मतलब जो बेंच होगा क्या होगा पूरा प्लेन होगा, सिल्क होगा। अब उसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे और उसके ऊपर घिसोगे फाइलिंग करोगे तो क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकता है, हो ही सकता है ना, हम लोग फाइलिंग जब करेंगे घिसेंगे तो ये हमारा आगे पीछे हो सकता है। तो उस सिचुएशन में उस कंडीशन में हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है जो जॉब हमारा है आगे पीछे ना हो, क्या है आगे पीछे ना हो, तो उस समय क्या करते हैं हम वाइस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं वाइस इस्तेमाल करते हैं। वाइस क्या करता है, देखो हम लोगों ने टेबल के ऊपर अपना जॉब रखा और उसके ऊपर हम फाइलिंग कर रहे थे, तो हमारा क्या था ऑब्जेक्ट जो था जो जॉब था हमारा आगे पीछे स्लाइड कर सकता है यानी कि सरक सकता है। ठीक है, यानी कि हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, अब जो अपने जगह से इधर उधर हो जाएगा तो क्या हमारी फाइलिंग खराब हो सकती है, क्या है हमारी फाइलिंग खराब हो सकती है, और जो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारा खराब हो सकता है, हमारी जॉब भी खराब हो सकती है, जो मैं जॉब तैयार कर रही हूँ जो भी हमारा खराब हो सकता है। तो उस कंडीशन क्या करते हैं ना वॉइस का इस्तेमाल करता है। वॉइस क्या है, एक हमारा साधन है, वॉइस क्या है साधन, एक डिवाइस है, साधन समझ रहे हो, साधन क्या होता है, वॉइस क्या है हमारा साधन है जो क्या करता है फाइलिंग के लिए या फिर चिपिंग के लिए, सिर्फ फाइलिंग के लिए नहीं, चिपिंग जो होता है जो चीजल के द्वारा किया जाता है, चिपिंग जिसे फाइलिंग का है फाइल के द्वारा किया जाता है, उसी तरह चिपिंग क्या है चीजल जो क्या है, जिस तरह फाइल हमारे टूल है एक औजार है, उसी तरह क्या है चीजल जो होता है, चीजल को तो चीजल जो हमारा होता है वो भी हमारा टूल होता है, क्या होता है वो भी हमारा औजार होता है। तो चीजल के द्वारा किया जाने प्रोसेस क्या कहते हैं, चिपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं चिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको जो किसी भी ऑब्जेक्ट में फाइलिंग करनी हो, चिपिंग करनी हो, रिमिंग करनी हो, ये सब का प्रोसेस है, ऑपरेशन है, आप आगे जानो क्या ऑपरेशन है। ठीक है, तो आपको जो किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी जॉब में फाइलिंग करनी हो, चिपिंग करनी हो, रिमिंग करनी हो, टेपिंग करनी हो, सोइंग करनी हो, बाइंडिंग करनी हो, तो उस समय क्या करते हैं जो हमारा जॉब होता है जिसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम लोग फाइलिंग करते हैं, उस पर इसको क्लेम किया जाता है। क्या कहता है, इसमें इसको फंसा करके उस जॉब को, उस ऑब्जेक्ट को इसमें फंसा करके इसके ऊपर फाइलिंग की जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वाइस क्या है, तो क्या है वाइस, वाइस हमारे किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए या फिर क्लेम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी जॉब में जब फाइलिंग चिपिंग रिमिंग टेपिंग सोइंग कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, तो उस समय क्या है ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग इसमें फंसा देते हैं, मतलब उसमें क्लेम कर देते हैं और उसके ऊपर लोग ऑपरेशन करते हैं।
ठीक है, ये क्या है वर्ब शो का बहुत ही मेन टूल होता है, क्या है सॉरी ये मेन टूल नहीं डिवाइस हमारा है, ये क्या है वर्ब शो में ये हमारा मेन डिवाइस होता है। जब आप अपना प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो क्या है अपने वॉइस पे ही काम करोगे, जब आप क्या है प्रैक्टिकल वर्क करोगे वर्कशॉप में अपना जब काम करोगे तो क्या है आप लोग वॉइस में ही काम करोगे, क्या करोगे वॉइस में किसी भी जॉब को फंसा करके, वॉइस में किसी भी चीज को फंसा करके उसके ऊपर फाइलिंग करोगे, ठीक है क्या करोगे फाइलिंग करोगे। और वॉइस का साइज कहां से लेता है, वॉइस का साइज ये क्या होता है जॉब होती है, क्या होती है इसकी जॉब बोलते हैं जॉब प्लेस, है ना जॉब प्लेस, ये क्या मैं जॉब जॉब प्लेस होती है, क्या होती है जॉब प्लेस होती है। तो वॉइस का साइज कहां से लिया जाता है, वॉइस का जो साइज है इसका जो साइज है कहां से लेते हैं इसकी जॉब के साइज से लिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉइस का साइज कहां से लिया जाता है तो वॉइस का साइज जॉब के साइज से लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है वॉइस हमारा एक साधन है, एक डिवाइस है जो कि लोग फाइलिंग चिपिंग रिमिंग सेविंग सोइंग पेंडिंग करते समय किसी जॉब को उसमें फंसाते हैं, होल्ड करते हैं और अपना प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे डिवाइस एक साधन है जो कि क्लेम करने के काम में आता है, फंसाने के काम में आता है किसी भी जॉब को, ठीक है फ्रेंड। तो क्या था हमारा वॉइस, क्या था वॉइस था कि वॉइस क्या है, अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ वॉइस के बारे में कि वॉइस जो हमारा है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होते हैं वॉइस के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बहुत से पार्ट्स होते हैं, बहुत से भाग होते हैं, मैंने एक वॉइस सिंपल वॉइस ड्रॉ भी किया है जिससे कि हम आपको इजी से बता सकते हैं वॉइस क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पूरे को क्या कहते हैं वॉइस कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं वॉइस कहते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है फिक्स्ड जो, क्या है फिक्स्ड जो, ये क्या होता है हमारा फिक्स्ड जो होता है, फिक्स यानी फिक्स किया हुआ, ये क्या होता है हमारा फिक्स रहता है, क्या रहता है हमारा फिक्स रहता है, ये हमारा है फिक्स्ड जो। दूसरा क्या हमारा है मूवेबल जो, क्या है मूवेबल जो या फिर स्लाइडिंग जो, इस जो को हम लोग मूवेबल बोलते हैं या फिर स्लाइडिंग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है ये जो तो क्या हमारा फिक्स है अपने जगह में टिका हुआ है, लेकिन जो हमारा मूवेबल जो है या फिर स्लाइडिंग जो क्या है अपनी जगह से स्लाइड करता है, ठीक है। मूवेबल जो है स्लाइडिंग जो क्या है अपने जगह से अपने इस अपने प्लेस से आगे पीछे क्या है स्लाइड करता है, यानी क्या है हम लोग इसके जो को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये भी बात है, देखिए मुझे किसी भी जॉब को फंसाना है, ठीक है मुझे भी किसी भी जॉब को फंसाना है, अब उसकी क्या डायमीटर जो है यानी कि उसकी जो चौड़ाई क्या है बहुत ज्यादा है, क्या है उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो क्या है इस तो चौड़ाई है ज्यादा तो क्या मुझे तो साइड तो करना पड़ेगा जॉब को, तो क्या करते हैं हम लोग क्या हमारा हैंडल, क्या है हमारा ये हैंडल, ठीक है ये क्या हमारा स्पिंडल है, ये क्या हमारा जो पार्ट अंदर घुसा हुआ है ये क्या हमारा स्पिंडल है, ये जो पार्ट हमारा इसके अंदर घुसा हुआ है इसको कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल की क्या होती है हमारी थ्रेड कटी होती है, आप लोगों को थ्रेड क्या है थ्रेड मुझे नहीं पता है, तो आपने देखा होगा जो नट होता है हमारा, आपने नट देखा होगा, ठीक है अपने नट का घर में इस्तेमाल भी किया होगा, तो जो नट होता है उसके अंदर क्या होती है थोड़ी उसके अंदर चूड़ी कटी होती है, आपने नट देखा होगा या फिर बोल्ट देखा होगा, बोल्ट क्या होता है बोल्ट हमारा कुछ इस टाइप का होता है, क्या है बोल्ट क्या हमारा कुछ इस टाइप का होता है, इसमें कुछ बोल्ट में इस टाइप का होता है, ठीक है बोल्ट हमारे स्टेप होता है उसमें हेड होता है ऐसे ही सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, तो आपने देखा होगा बोल्ट पर हमारे पास एक थ्रेड कटी होती है, कटी होती ना जो थोड़ी खुदरी टाइप में होती है थोड़ी अलग टाइप में होती है, वो क्या होती है थ्रेड होती है, क्या होती है हमारी थ्रेड होती है, ठीक है। तो थ्रेड क्या होती है चूड़ी क्या होती है आप आगे जानोगे, लेकिन अभी आप इतना जान जाओ कि जो नट में नट के जो अंदर में जो कटी होती है उसका अलग ही सरफेस होता है उसको थ्रेड कहते हैं, या फिर जो बोल्ट में जो हमारा जो हेड का पार्ट होता है ये तो हमारा हेड का पार्ट हो गया ताकि उसका ऊपरी सिरा हो गया, लेकिन जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है यानी कि बेलना का हिस्सा जो होता है उसमें क्या होती है हमारी थ्रेड कटी होती है, फिर रफ होती है ना सरफेस रफ होती है उसी में हम नट को डालते हैं घुमाते हैं और नट हमारा अंदर चला जाता है। जो हमारा बोल्ट होता है क्या होता है उसका हेड होता है ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट में यानी बेलना का हिस्सा क्या है हमारा थ्रेड कटा होता है,
कटा होता है, थ्रेड कटा होता है। आप थ्रेड जो कटा होता है उसी में क्या करते हैं, नट को डालते हैं और नट को घुमा घुमा करके अंदर उसको फिट कर देते हैं। तो वो क्या हमारा थ्रेड, क्या है ये हमारा थ्रेड, ठीक है, उसको थ्रेड कहते हैं, चूड़ी कहते हैं, थ्रेड को हिंदी में चूड़ी कहा जाता है। तो क्या है, ये स्पिंडल का हिस्सा हमारा है, इसमें क्या होती है, थ्रेड कटी होती है। क्या कटी होती है, स्पिंडल का जो अंदर भाग गया हुआ है, इसमें क्या होती है, थ्रेड कटी होती है, चूड़ी कटी होती है। अब क्या है, थ्रेड के भी टाइप्स होते हैं, क्या है, जिस तरह हर चीज के प्रकार होते हैं उस तरह थ्रेड जो होती है, चूड़ी होती है, उसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, आगे जानोगे। लेकिन अब इतना जानो कि स्पिंडल के, स्पिंडल जो हमारा होता है उसमें जो थ्रेड कटी होती है, उसमें जो चूड़ी कटी होती है, कौन सी चूड़ी कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है या फिर बटरस थ्रेड कटी होती है। स्क्वायर थ्रेड और बटरस थ्रेड क्या है, थ्रेड के टाइप्स है। स्क्वायर थ्रेड यानी कि वर्गाकार चूड़ी और बटरस थ्रेड यानी कि बटरस चूड़ी। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड, वर्गाकार चूड़ी, बटरस थ्रेड यानी कि बटरस चूड़ी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये हमारे थ्रेड के टाइप्स है। ठीक है, तो हमारी जो स्पिंडल होती है उसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है या फिर बटरस थ्रेड कटी होती है। ठीक है, दोनों से एक थ्रेड कटी होती है। ये क्या हमारा मूवेबल जो हो गया, ये हमारा स्विफ्ट जो हो गया, ये हमारे हैंडल क्या है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील जानते हो ना, माइल्ड स्टील का बना होता है, मृदुस पात का बना होता है। ये स्पिंडल हमारा होता है जो कि मूवेबल जो के अंदर घुसा होता है। क्या है, मूवेबल जो के अंदर, ये स्लाइडिंग जो के अंदर घुसा होता है। इसमें क्या होती है, थ्रेड कटी होती है। क्या कटी होती है, थ्रेड कटी होती है। ठीक है, ये इसका पूरा बॉडी होता है, ये सब कैसे बॉडी है। और ये जो हमारा है, ये जो क्या है, ये जो देख रहे हो रेक्टेंगुलर टाइप में जो है, ये क्या हमारे जो प्लेट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो प्लेट्स। ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट आप देख रहे हो इसमें और इसमें, ये क्या कहलाता है, जो प्लेट्स कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिक्स जो होता है, जो कि फिक्स होता है अपनी जगह में, मूवेबल जो होता है, जिस स्लाइडिंग जो भी कहते हैं, वो क्या होता है, अपने जगह से आगे पीछे स्लाइड करता है, उसको हम लोग मूव भी करवा सकते हैं, लेकिन उसको अपने उसको गति भी करवा सकते हैं। ठीक है, जो प्लेट्स होते हैं वो क्या है हमारे ऊपर जो ये दो रेक्टेंगुलर पार्ट है, क्या है हमारे, जो प्लेट्स है। ठीक है, स्पिंडल होता है, ये क्या है, जो इसके जो अंदर गया है, मूवेबल जो के अंदर जो गया है, वो क्या हमारे स्पिंडल होते हैं। स्पिंडल क्या है, हमारे थ्रेड कटे होते हैं, स्क्वायर थ्रेड यानी बटर थ्रेड कटे होते हैं। थ्रेड मतलब थ्रेड क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी जो ये क्या है, सब इसकी बॉडी है, सब क्या है, इसकी बॉडी होती है, बॉडी यानी इसका शरीर। ठीक है, बॉडी यानी इसका शरीर, ये सब क्या होता है, इसकी बॉडी होती है। हैंडल, हैंडल क्या होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, बोला गाइडनट बॉक्स दिख नहीं रहा है आप लोग, ये जो गाइडनट बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो गाइडनट बॉक्स क्या होता है, स्विच जो के अंदर फिक्स रहता है, बोर्ड की तरह कसा होता है। अब बोला गाइडनट बॉक्स क्या है, तो आपने तो नट तो देखा ही होगा, आपने अपने घर में नट तो देखा होगा, नट का इस्तेमाल भी किया होगा। तो गाइडनट बॉक्स क्या है, नट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, हर चीज के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, मैक्सिमम हर एक चीज के प्रकार होते हैं। उसी तरह क्या है, जो नट हमारा है, जो नट आप इस्तेमाल करते हो, उसके भी टाइप्स होते हैं, उसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसमें में से क्या है हमारा गाइड नट और बॉक्स नट क्या होता है, फिक्स जो क्या होता है, फिक्स रहता है, बोर्ड के द्वारा कसा रहता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग जानते हो, स्प्रिंग जो आपने देखा होगा घर पर, वो हमारे क्या होती है, स्प्रिंग होती है। वॉशर क्या है, वॉशर में हमने इस्तेमाल किया होगा, जब हम लोग किसी भी नट को कसते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर एक उसके सरफेस में वॉशर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, ये जो हमारी सरफेस है वो चिकनी रहे। जब भी हम अपने किसी चीज को कसते हैं, फिक्स करते हैं, तो क्या करते हैं, उसके नीचे क्या करते हैं, वॉशर डाल देते हैं। क्या कर डाल देते हैं, वॉशर डाल देते हैं। वॉशर क्या है, आप वॉशर जानते हो कि आपने इस्तेमाल किया होगा, क्या है, नट बोल्ट वॉशर क्या है, हमारी सिंपल चीज है, स्क्रू क्या, सिंपल चीज है, अपने घर में इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, तो वॉशर क्या करता है, हमारे वॉशर को डाल देते हैं, हम अपने नट को कसते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि हमारे सरफेस क्या है, खराब ना हो, हमारी सतह का चिकनी हो। ठीक है, स्प्रिंग वॉशर क्या है, हमारे मूवेबल जो है, यानी कि क्या कहता है, ये जो स्प्रिंग वॉशर क्या है, इसमें फिट रहता है। ठीक है, स्प्रिंग वॉशर क्या है, इसमें फिट रहता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होते हैं, ये इसके पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये सब क्या है, वॉइस के पार्ट्स है, यानी कि वॉइस के भाग है। ठीक है, जब भी आपको किसी भी जॉब को क्लेम करना होगा, तो क्या करते हैं, हम हैंडल को मूव करवाते हैं। ये जो हमारा हैंडल है, दिख रहा है, तो हैंडल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट यानी घुमाना, इसको इस तरह घुमाते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा ये जो पार्ट है, ये जो हमारा
जो है कि मूवेबल जो है, स्लाइडिंग जो है जो कि मूव करता है, आगे पीछे सरकता है। तो जब इसको इस हैंडल को इस तरह घुमाते हैं, इस तरह घुमाते हैं तो हमारी क्या है, ये जो है ये हमारे साइड घिसक जाती है, साइड घिसक जाती है, यानी कि ये अपनी इस जगह से यहाँ जाती है, आ जाती है। तो क्या करते हैं, हम जॉब को डालते हैं, जॉब को डाल देते हैं। अब जॉब को डालने के बाद इसको फिर से और टाइट कर देते हैं, यानी कि पहले रोटेट करते हैं, इस हैंडल को रोटेट करते हैं इसको यहाँ से स्लाइड करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जॉब को फिक्स कर देते हैं, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसपे हमें काम करना है उसको हम फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम हैंडल को इस तरह घुमा करके टाइट कर देते हैं, जॉब को यहाँ घुमा करके हम टाइट कर देते हैं, जिससे कि हमारे फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब क्या है, फिक्स हो जाने के बाद जो भी वो करना है, फाइलिंग करनी हो, चिपिंग करनी हो, टेपिंग करनी हो, तो जो भी आपको ऑपरेशन करना है, जो भी प्रोसेस करना है, आप क्या है इस ऑब्जेक्ट पर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको वाइस बताया कि वाइस क्या है, हमारा डिवाइस है जब किसी भी जॉब को क्लेम करके उसको ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको वाइस के पार्ट्स बताया कि वाइस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। सिंपली मैंने आपको दो करके बताया कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको वाइस समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो, छोटी सी भी दिक्कत आई, तब मुझे जरूर बोलना कि मैम मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। छोटी दिक्कत हो, बड़ी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे बताना, मैं उस दिक्कत को मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी, ठीक है। जो भी समझने में प्रॉब्लम आई हो बताना मुझे। अगले क्लास में क्या है, देखो मैंने बोला कि हर चीज के प्रकार होते हैं, हर चीज के टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह के वाइस क्या है, उसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं। अगले क्लास में क्या, वाइस के जो टाइप्स है, इसके जो प्रकार है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आप कौन वाइस का इस्तेमाल, आप जो प्रैक्टिकल वर्क करोगे कौन वाइस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, कौन कौन से वाइस होते हैं, कहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।